हाय यूट्यूब, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। तो आज ये टॉपिक होगा कॉकटेल्स के ब्रीडिंग पेयर के ऊपर, ब्रीडिंग पेयर का कैसे ध्यान रखना है, उनके जब बेबीज होते हैं तो उनको क्या फीड देनी है, कैसे क्या खिलाना है, क्या डाइट प्लान रहना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको डाइट बताऊँ, मैं आपको इनके बेबीज दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई इस बार ये चार बेबीज आए हैं, एक ये ग्रे है इसमें से, और जो बाकी तीन हैं, ये बाकी तीन जो है इसमें से लुटिनो आए हुए हैं, ये भी लुटिनो, ये भी लुटिनो और ये भी लुटिनो। ऑलराइट, तो ये तीनों चारों बेबीज हैं। और कॉकटेल्स की गाइस एक बात ये है कि जो सबसे बड़ा बेबी होगा उसको सबसे कम खिलाया जाएगा और उसके बाद वाले बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा खिलाया जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अब पता नहीं क्यों होता है बट ऐसा इट इज़ द ट्रूथ। देखिए ये भरा हुआ है यहाँ तक, ये सेकंड बेबी है जो थोड़ा सा कम भरा हुआ है, ये थर्ड बेबी है थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है, और ये फर्स्ट बेबी है इसको बिल्कुल कम खिला रखा है। तो इनको भी खिलाएंगे, जैसे छोटे बच्चों का पेट भर जाएगा वैसे ही बड़े बेबीज को खिलाएंगे। तो खैर अभी मैं आपको इनके डाइट प्लान बताऊंगा, उससे पहले एला के भी बेबीज आए, मैं एला के भी बेबीज भी दिखा देता हूँ। भाई एला के जो एक बेबी निकला था अल्बाइनो था, वो तो मर चुका है। आज इनका सेकंड बेबी निकला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं इधर, जूम इन करूँगा अगर आपको तो दिखेगा, ठीक है यहाँ पे है, देख रहे हैं ये ब्लैक आईज में है। तो ये कुछ ना कुछ जैसे पर्ल होगा या फोन होगा या चारकोल होगा, देखते क्या है। बाकी इसके दो तीन अंडे हैं और मेरे ख्याल से वो फर्टाइल नहीं है, जैसे भी होता है इनको छेड़ता नहीं हूँ यार, ये ज़्यादा परेशान अगर मैं करूँगा तो इनको ये बच्चों को खिलाएंगे नहीं। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं और डाइट की बात करते हैं। तो गाइस डाइट में सबसे पहले मेरे सामने है ये सीड मिक्स, जो प्रीमियम सीड मिक्स मैं यूज़ करता हूँ अपने कॉकटेल्स के लिए, अपने बजीज के लिए, वो मैंने दिया हुआ है। और इसमें करीबन करीबन 13-14 टाइप्स के सीड्स हैं जो मैं इनको देता हूँ, और ये खाते हैं बहुत अच्छे से, ज़ीरो वेस्टेज है। अगर आप चाहें तो आप भी मंगवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आपके बर्ड खाएंगे जब उनकी ब्रीडिंग होगी स्पेशली कॉकटेल्स, वो है चना। तो मैं चने भी दो तरह से देता हूँ, एक पे सिर्फ और सिर्फ चना मैंने दिया हुआ है, ठीक है, और एक और इसमें सॉफ्ट फूड में मिला के, मतलब इसमें चने के साथ साथ इसमें बीट रूट है, और बीट रूट के साथ साथ इसमें गाजर भी है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने मिला के दिया, आप तो आप देख रहे हैं खा रहे हैं प्रॉपर। इसको जो है हर चार घंटे बाद हटा देना है, इसको मुझे दो घंटा हुआ है, दो घंटे और रखूंगा और हटा दूंगा, जितना भी खाएंगे खाएंगे। बाकी ये जो है पालक के लीव्स, पालक के पत्ते मैं देता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, इतना मैं दे देता हूँ, इतना बहुत ज़्यादा होता है चार बेबीज के लिए इसके। ये तो खैर सुबह सुबह मैंने दे दिया, आप देख रहे हैं यहाँ से इन्होंने बेसिकली पहले जो ओट्स और सनफ्लावर सीड्स वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी इन्होंने खा लिए हैं। इसके बाद आपने एक और काम करना है, जैसे आप शाम होती है तो शाम के टाइम पे ना, मैं क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, गर्मियों के टाइम पे आप इनको चावल दे सकते हैं, जो कुक्ड राइस होता है, बॉयल्ड राइस होता है, सिंपल राइस, वो आप इनको दीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी क्वांटिटी में दीजिए, वो भी खाते हैं अपने बेबीज को अच्छे से खिलाते हैं। एंड देखिए कैल्शियम सोर्स आपके पास होना चाहिए, ये कैल्शियम आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये पाँच दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। तो जब भी ये बेबीज देते हैं, बेबीज निकालते हैं और ये ब्रीडिंग करते हैं, तो इनके यहाँ ये जो है कैल्शियम पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम ये खाते हैं। तो आप कैल्शियम ब्लॉक्स वगैरह, मिनरल ब्लॉक्स वगैरह मंगवा के रखिए, ताकि ये खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और वो बच्चे हेल्दी रहें। इसके साथ साथ मैं कैल्सिलक्स भी यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहें तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते, कोई और प्रोडक्ट हो कैल्शियम का वो यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन ध्यान रखिए कि इनको सॉफ्ट फूड की कमी ना हो, सॉफ्ट फूड की जहाँ पे कमी हुई वहाँ पे आपका बर्ड आपके इनके अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा, कॉकटेल स्पेशली नहीं खिलाएंगे, और इनके बेबीज बहुत कमज़ोर हो जाते हैं विदाउट सॉफ्ट फूड। तो सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है, और सॉफ्ट फूड में ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ। कई बार मैं सिर्फ चना तो नहीं, चने के साथ साथ में जो हरी मूंग की दाल होती है मैं वो भी भिगो के देता हूँ, एंड ये बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। और आप भी ये सब दे सकते हैं, ठंडा हुआ तो मैं भुट्टा दे देता हूँ, जिस छल्ली जिसको बोलते हैं वो मैं दे देता हूँ। और फिलहाल तो ये गर्मियों की डाइट थी, अभी गर्मी आ गई है
तो गर्मियों में क्या ब्रीडिंग डाइट होनी चाहिए आपके बर्ड्स के लिए वो मैंने आपको बता दी। होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।